हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कॉर्ड्स विद तारिक खान। आज जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं उसका टाइटल है फासले बाय काविश एंड क्यूबी। कोक स्टूडियो सीजन 10 का बहुत ही खूबसूरत गाना है और बेहतरीन अंदाज में इसको जाफ़र जैदी और कुरतुलैन बलोच ने गाया है। काविश का जो म्यूज़िक है, उनकी लिरिक्स, उनकी कॉम्पोजिशंस, उनका म्यूज़िक का स्टाइल वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने पहले भी गाने सुने होंगे उनके, तो बिल्कुल तमाम सिंगर से हटकर उनकी एक अलग ही बात है। तो इस गाने को भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गाया है। मेरा बहुत फेवरेट गाना है ये। इसके अलावा मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ इसकी कॉर्ड्स आप बताइए ज़रूर, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि ये लेसन मैं ज़रूर करूँगा। गाइज, इस गाने को करने के लिए, जैसे कि हमारा कॉन्टेंट है कि हम हमेशा ओरिजिनल कॉर्ड्स प्ले करते हैं, तो ओरिजिनल कॉर्ड्स प्ले करने के लिए आपको फोर्थ फ्रेट पर कैपो लगाना होगा। जब फोर्थ फ्रेट पर आप कैपो लगाएंगे तो हमारी जो कॉर्ड्स होंगी वो होगी सबसे पहले ई मेजर, सेकंड ए मेजर, थर्ड बी मेजर, फोर्थ सी शार्प माइनर, फिफ्थ जी शार्प माइनर एंड लास्ट वन सिक्स्थ इज डी मेजर। ये छह कॉर्ड्स पूरे गाने में चली हैं। इसके अलावा अगर आपको गाने की ओरिजिनल फील रखनी है तो उसके लिए आपको करना ही होगा कि जितनी भी हमने अभी बार कॉर्ड्स अप्लाई की हैं उन सबको कन्वर्ट करना होगा पावर कॉर्ड्स में। जिनको मालूम है कि पावर कॉर्ड्स किस तरह से प्ले होती हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है और उनके लिए तो आसानी है, लेकिन जिनको नहीं मालूम कि पावर कॉर्ड्स किस तरह से प्ले होती हैं तो उनके लिए मैं इजीली बता दूं कि पावर कॉर्ड्स प्ले करने के लिए, जैसे हमने ई मेजर की बात करी है तो ई मेजर तो हमारी ओपन पर सेम रहेगी जैसे हम रख रहे हैं। सेकंड मैंने बोला था ए मेजर, जो ए मेजर है उसको प्ले करने के लिए आपको पावर कॉर्ड प्ले करने के लिए जो हमारी पिंकी फिंगर है, लास्ट फिंगर जिसको हम बोलते हैं, इसको रिमूव करना होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी सेकेंड और थर्ड जो फिंगर है उसको आपने थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग से सेकेंड फ्रेट पर प्रेस करना है। ये बनेगा आपका ए पावर कॉर्ड। इसमें मेजर और माइनर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आप इसको बोल सकते हैं ए मेजर। जो हमारी थर्ड कॉर्ड है उसमें वन टू टू स्टेप आपने डाउन मूव करना है, यही सेम स्ट्रिंग, यही सेम फिंगर्स आपने टू स्टेप डाउन मूव करनी है। और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको आपने फिफ्थ स्ट्रिंग से सेकेंड फ्रेट पर प्रेस करना है। ये बन जाएगी आपकी बी पावर कॉर्ड। नाउ फोर्थ, वन टू टू स्टेप और डाउन मूव कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सी शार्प, सी शार्प माइनर बोल लें आप या सी शार्प बोल लें एक ही बात है। इसके बाद जो हमने जी शार्प माइनर प्ले करना है तो जी शार्प माइनर अगर आप चाहें तो इस तरह से प्ले कर लें। ओपन पोजीशन पर अगर प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको जो हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फ्रेट जो है उसके ऊपर फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रिंग से इन दोनों फिंगर्स को प्रेस करना होगा, और जो हमारी जो हमारा फोर्थ फ्रेट है उससे हमारी थर्ड स्ट्रिंग प्रेस होगी। तो ये इस तरह से साउंड क्रिएट करेगा, ये है आपका जी शार्प माइनर। इसके बाद जो लास्ट कॉर्ड है वो है डी मेजर। तो डी मेजर जैसे हम सी शार्प प्ले कर रहे थे बिल्कुल एक स्टेप हमने डाउन मूव करना है, तो ये बन जाएगा डी, डी पावर कॉर्ड। तो सबसे पहले ई मेजर, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ सी शार्प, फिफ्थ जी शार्प एंड लास्ट वन सिक्स्थ इज डी मेजर। इसके अलावा गाना जो स्टार्ट हुआ है वो बेसिकली पियानो इंट्रो से स्टार्ट हुआ है, तो पियानो का इंट्रो अगर आप गिटार पर प्ले करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इजी है, सिर्फ आपको फॉलो करना है। जैसे हमारी डी मेजर की शेप होती है बिल्कुल यही आपने रखनी है, लेकिन आपने इसको वन टू टू स्टेप डाउन मूव करना है। जैसे हमारी ये डी मेजर है तो ये डी शार्प मेजर बनी और ये ई मेजर का साउंड क्रिएट कर रही है, तो इस पोजिशन को आपने रखना है और हमारी जो सेकेंड थर्ड स्ट्रिंग है इसको प्रेस करना है, इसको इस तरह से प्ले करना है।
पहले सेकंड थर्ड स्ट्रिंग, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग, उसके बाद आपने जो बी मेजर है उसकी शेप रखनी है, लेकिन जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको बाहर से रिमूव करना है और सिर्फ ये तीन फिंगर्स हमारी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस करेंगी इस तरह से। और यहां जो हम हिट कर रहे हैं ये भी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग ही है। अब हम जब हम बी मेजर से स्विच करेंगे ए मेजर पर, तो हम पहले पावर कॉर्ड पर रखेंगे, जो हमारी सेकंड और थर्ड फिंगर है उसको थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग पर रखेंगे, और बाद में हम इसको प्रेस करेंगे सेकंड स्ट्रिंग से जो हमारी पिंकी फिंगर है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से प्ले होगा। अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 सेवन फ्रेट पर ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को इन दोनों फिंगर्स से, जो हमारी लास्ट की दो फिंगर्स हैं इनसे प्रेस करना है। आपकी मर्जी, आप इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं जो आपको आसानी लगे इसमें। उसके बाद अगेन आपने, और इसमें फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग हम प्रेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा ई मेजर की ही शेप पर लेकर आएंगे और सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग प्रेस करेंगे। तो गाइज ये इंट्रो हो गया। अब जो गाना स्टार्ट हुआ है वो इस अंदाज में है, हुए फासले छूटे सिलसिले टूटे हुए दिल जाए कहाँ, मुझे जो खुशी मिली ना कभी जाए तेरे संग जाए तू जहाँ, मेरी ये दुआ जीवन क्यों ही चलता रहे, सारी ख्वाहिशें हो पूरी तेरी दुनिया में, ना हो ये कमी ना हो ये कमी। ये जाफर जैदी का पार्ट है। इसके बाद कुरतुलैन का पार्ट आता है, तो उसको भी बिल्कुल आपने सेम लूप पर रखना है। बेसिकली ये गाना जो प्ले हुआ है ये सेम एक जैसे लूप पर प्ले हुआ है, तो ज़्यादा इसमें मुश्किलात नहीं है, बस कॉर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। तो जो कॉर्ड्स हैं आप सेम बिल्कुल वही पैटर्न पर रखिएगा जिस तरह से मैंने प्ले किया है, और जैसे कॉर्ड्स लिखी हुई आ रही हैं इनको फॉलो कीजिए तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। याद है मुझे तेरी हर अदा, मुस्कुराहटे तेरी, तेरा मुझसे चुप कैसे यूं कहना कि तू है मेरी, जाने ये वास्ते सभी रास्ते तोड़ के मैं आई यहाँ, तू तो ना मिला तू ही चल दिया, लेके मेरा दिल जाने तू इसको। अब कंटिन्यू करेंगे दोबारा जाफर जैदी के पार्ट से ही,
फिर गिटार का सोलो आता है। जाऊंगा कहाँ मैं तो यहाँ तेरे दिल की आटों में हूँ, सोचों में तू सपनों में तू हर दम है जा रही हूँ मैं। इसके अलावा अगर इसका स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोग देखें तो स्ट्रमिंग पैटर्न में ज्यादा मैं कुछ मुश्किल नहीं कर रहा, सिंपल एक ही लूप चल रहा है हमारा। Down, down, up, up, down, 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 up, down, down, up, up, down, 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 up। इसके अलावा जो एक पार्ट आया था इसका जिसमें जब हम डी मेजर यूज कर रहे थे तो डी मेजर वाले पार्ट में हर दम है मैं तू, तो यहां पर मैंने डी मेजर पर सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स हिट किए थे। इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस गाने में। सो गाइज, ये था फासले का कंप्लीट गिटार लेसन। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को ये वीडियो। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट हो वो कर सकते हैं, इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएं। इसके अलावा इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गिटार प्ले करना चाहते हैं या फिर जो गिटार प्ले करना जानते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।